हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आप सभी देख रहे हैं चटोरों की रसोई बाय अंजलि मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू, जो कि हमारे विंटर सीजन को स्पेशल बनाने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर उसमें डालेंगे आधा किलो खोया, यानी कि आधा किलो मावा आप ऐड करेंगे इसमें, और इसे पिघलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। अच्छी तरह से इसे स्मैश करेंगे स्पैचुला की हेल्प से, और जब तक ये पिघल ना जाए तब तक। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खसखस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे हम चिरौंजी और इसे भी हम मिक्स कर देंगे, ये भी 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पे 200 से 250 ग्राम यहाँ पे कुटा हुआ सूखा मेवा ऐड करना है, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपका दिल करे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोकोनट, जिसे मैंने अच्छी तरह से घिस लिया था। सो यहाँ पे कोकोनट ऐड कर रही हूँ और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे पिटा हुआ शक्कर। पिटा हुआ शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और अभी एकदम गरम गरम इसका जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। सो जब ये गरम गरम रहेगा तब बहुत ही आसानी से लड्डू बनने में आसानी होगी। सो हम तुरंत इसे बांधना स्टार्ट करेंगे, तो अपनी हथेलियों की सहायता से इसे हम बांधेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। शुगर जो है पाउडर वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। सो अब आप इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखा दे रही हूँ। सो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा बाउल में ऐड ले रही हूँ मैं। अब इसे अपने पाम की यानी कि हथेलियों की सहायता से अच्छी तरह से बांधना है। गर्म है ये, तो थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो हाथ में पानी लगा लीजिए। और अब इसे आप इसमें काजू या बादाम इसे डेकोर करने के लिए इसके ऊपर लगा सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, हमारे लड्डू जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू। सो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।